हेलो एवरीवन, आईसेक्ट ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद, आप सभी का नीम ट्रेनर, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और क्लास लेकर। आप पार्ट बी पढ़ोगे यूनिट एंड कन्वर्जन का। आज आप सभी को पता होना चाहिए यूनिट एंड कन्वर्जन के बारे में, क्या होता है यूनिट एंड कन्वर्जन। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं होगा कि जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 फुट के अंदर कितने इंचज होते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन बेसिक बेसिक यूनिट के बारे में, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, आज हम इन सभी के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, बड़ी ही इंटरेस्टेड क्लास है। आप सभी को याद रखना है, कॉपी पेन लेके लिखना है और कंटिन्यू इनको याद रखना है। ठीक है, और याद करते रहना है। आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या XYZ जो भी काम कर रही है, वो बेसिक यूनिट के बारे में तो आपसे पूछ लेती है इंटरव्यू के दौरान, और आप सभी वहाँ पे फंस कर खड़े हो जाते हो और नहीं बता पाते हो। ठीक है, परंतु आज आपकी ये परेशानी सभी की दूर कर दी जाएगी। आप सभी को टिप पे याद होगा ये सारी चीज़ें। हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। पहले हम इसके एब्रिवेशन के बारे में जानते हैं। एम किसको डिनोट करता है? मीटर। सी एम किसके लिए डिनोट करता है? सेंटीमीटर। डी एम किसके लिए होता है? डेसीमीटर। एम किसके लिए होता है? मिलीमीटर। वाई डी किसके लिए होता है? यार्ड। एफ टी फिट। अब लेंथ की बात करते हैं कि कितनी लंबाई, कैसे हम लंबाई को देखते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 या 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं या 1000 मीटर होते हैं। 1 मील के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1609.344 मीटर होते हैं। 1 यार्ड के अंदर कितने मीटर होते हैं? 0.9144 मीटर होते हैं। 0.9144 मीटर होते हैं। 1 यार्ड की बात करते हैं। देखो यार्ड क्या होता है, ठीक है, यार्ड का मतलब होता है गज। ठीक है, हम सिंपल भाषा में बोलते हैं गज। जैसे आप कोई भी पैमाइश करते हो या ज़मीन प्लॉट लेते हो तो बोलते हैं कि कितने गज का प्लॉट लिया, हम जिस वो सिंपल भाषा में बोल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम 1 यार्ड। ठीक है, 1 यार्ड के अंदर कितने इंचज होते हैं? 36 इंच होते हैं। ठीक है, 36 इंच। अगर मीटर की बात करें, अगर हम मीटर की बात करें तो कितनी होते हैं? 0.9144 मीटर होते हैं। ठीक है, और 36 इंच होते हैं। ठीक है, आप इसको अगर हम कैलकुलेट करते, देखो आपको अगर निकालना है तो ये लगभग कितने फिट के अंदर आता है? 1 यार्ड के अंदर ये लगभग 3 फिट का होता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो कि कितने मीटर होते हैं, अगर आप बात करते हो कि 1 इंच के, ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई। ठीक है, तो कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। आप कभी भी एक स्केल को देखना, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। लेंथ की सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एरिया की हम। ठीक है, एरिया की बात करते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है? देखो हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वेयर मीटर में निकालते हैं। ठीक है, तो एम स्क्वेयर स्क्वेयर मीटर या मीटर स्क्वेयर, सी एम स्क्वेयर तो स्क्वेयर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वेयर, एम स्क्वेयर आप तो मिलीमीटर स्क्वेयर, ये किलोमीटर स्क्वेयर, ये हेक्टेयर। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाय वन की 1 मीटर स्क्वेयर कितना होता है। देखो 1 मीटर के अंदर हमने बात की तो कितने सेंटीमीटर बताए गए आपको? 100 सेंटीमीटर बताएंगे। ठीक है, तो ये 100 का स्क्वेयर हो गया, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसको हम बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वेयर कितना होता है? 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर होता है। अगर 1 मीटर स्क्वेयर की बात करें तो 1 मीटर के अंदर कितने mm बताए गए, कितने मिलीमीटर बताए गए? 1000, 1000। ठीक है, तो इसका 1000 का स्केयर हो गया, तो इसको बात करते हैं तो 10 की पावर 6 mm स्केयर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के अंदर कितने हो जाएगा? 10 की पावर 4 मीटर स्केयर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर स्केयर के अंदर कितने हो जाएगा आपको? 10 की पावर 6 मीटर स्केयर हो जाएगा। देखो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000, 1000 मीटर स्केयर होते हैं, तो इसको हम इसका स्केयर करेंगे 1000 का, तो 10 की पावर 6 मीटर स्केयर हो जाता है। या इसको 10 की पावर 6 को हम 1 लाख भी बोल लेते हैं। नहीं, 1 किलोमीटर स्क्वेयर को कितना बोलते हैं? 100 हेक्टेयर होता है। 1 किलोमीटर स्क्वेयर के अंदर कितने एकड़ होते हैं?
मतलब कि आप कितनी जमीन को कवर कर लेते हो, कि जैसे हम बोलते हैं भाई 1 किला 2 किला, 1 एकड़ 2 एकड़, ठीक है, तो कितने एकड़ आ जाते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, 247.105, 247.105 एकड़ होते हैं, 247.105 एकड़ होते हैं, ठीक है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो कितने मीटर स्क्वेयर होती है जमीन, ठीक है, मतलब कि आप एक एक किला, वो अलग अलग, देखो किला तो ऐसे हो जाते हैं कि राजस्थान की अलग पैमाइश होती है, ठीक है, हरियाणा की अलग पैमाइश है, दिल्ली की अलग पैमाइश है, ठीक है, परंतु हम स्टैंडर्ड देखते हैं, हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि 1 एकड़ जमीन, ठीक है, उसके अंदर जो हम रजिस्ट्री करवाते हैं या किसी भी चीज़ का अकॉर्डिंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर प्रोसेस होता है, उसके अंदर अंदर ये फिक्स वैल्यू होती है 1 एकड़ की, वो कितनी होती है, 4046.856 मीटर स्क्वेयर, मतलब कि 4046.856 मीटर स्क्वेयर, 4046.856 मीटर स्क्वेयर होती है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है देखो आयतन, कितने ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना स्पेस को घेर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, इसको हम क्यूबिक मीटर में बात करते हैं, देखो m³, m³, तो हम क्यूबिक मीटर, ठीक है, या m³, ठीक है, cm³, लीटर, बैरल, BBL को क्या बोलते हैं, बैरल, GL को गैलों, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर, 1000 लीटर होते हैं, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, आपने देखो अगर 750 ml दूध लेते हैं, 250 ml दूध लेते हैं, नहीं, अगर 1000 हो जाता है तो 1 लीटर में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1 लीटर की बात करते हैं तो कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 cm³ होता है। 1 गैलन, यूके, यूके का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम के अनुसार, ठीक है, यूके के अनुसार 4.546 लीटर, 4.546 लीटर, ठीक है। 1 गैलन यूएसए के अकॉर्डिंग कितना होता है, 3.785 लीटर, 3.785 लीटर। 1 बैरल के अंदर कितने गैलन होते हैं, यूके के अकॉर्डिंग तो 34.97 गैलन होते हैं, यूके के अकॉर्डिंग 34.97 गैलन होते हैं। 1 बैरल के अंदर यूएसए के अकॉर्डिंग 42 गैलन होते हैं, 42 गैलन होते हैं, ठीक है। एंड 1 बैरल के अंदर कितनी मीटर क्यूब होता है, कितना मीटर क्यूब होता है, ठीक है, 0.158 मीटर क्यूब होती है, 1 बैरल इज इक्वल टू 0.158 मीटर क्यूब। अब बात कर लेते हैं देखो वेट की, बहुत ज़रूरी है, देखो कुछ बच्चे तो ऐसे तो सिंपल सिंपल वेट कैलकुलेशन उसमें अटके खड़े हो जाते हैं, आपको मल्टीप्लाई आती है तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी यूनिट को सिंपलीफाई कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जी किसके लिए डिनोट करता है, ग्राम के लिए, केजी किसके लिए डिनोट करता है, किलोग्राम के लिए, एमजी किसके लिए डिनोट करता है, मिलीग्राम के लिए, ओजड़ ओजोन के लिए, देखो ओजोन के लिए भी हम देखो वेट कर रखा गया है कि कितने ग्राम होते हैं एक ओजोन के अंदर, ठीक है, वो क्या है कि हम जो आप देखते हैं ओजोन लेयर का देखा गया नहीं, उसके अंदर क्या ऑक्सीजन होती है, O3 होता है, ठीक है, उसका हम जो वेट, उसका एक वेट लेते हैं, उसके अंदर सिंपली क्या 28.349 ग्राम होता है, ठीक है, पाउंड, POU पाउंड की बात करते हैं, ठीक है, पाउंड की बात करते हैं। अब हम इसको देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 टन के अंदर सभी को पता होगा 1000 किलोग्राम होते हैं, 1 टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होती है, 10^6 मिलीग्राम होते हैं, 10^6 मिलीग्राम होते हैं, और वन ओजोन के अंदर 28.349 ग्राम होते हैं, 28.349 ग्राम होते हैं। अगर 1 पाउंड की बात करें तो 453.592 ग्राम होते हैं, 453.592 ग्राम होते हैं 1 पाउंड के अंदर, ठीक है। आप देखते हैं कि कभी भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, जो नवजात बच्चा होता है, ठीक है, उसका हम जब वेट कैलकुलेट करते हैं तो उसका पौंड के अंदर वेट कैलकुलेट करते हैं कि इतना पौंड का लड़का हुआ है। अब और भी देखते हैं कि हम जब आप कोई भी बेकरी के पास, जब बेकरी पे जाते हो, बेकरी पे जाकर आप केक को लेते हैं, तो वो केक भी आपको वो स्टैंडर्ड वेट देता है पौंड के अंदर कि इतने पौंड का केक है, इतने पौंड का, ठीक है। और 1 कैरेट के अंदर 0.2 ग्राम होता है। अब देखते हैं कि भाई आप कैरेट लेते हैं, कितने कैरेट सोना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 0.2 ग्राम, ठीक है, 0.2 ग्राम होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं,
ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया, ये केल्विन हो गया, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, 32 फ़ारेनहाइट होते हैं, 32 फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273.15 केल्विन होते हैं, 273.15 केल्विन होते हैं। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का, पानी का, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर पूछ लिया जाए कि पानी कितने केल्विन पे जमता है तो आप क्या बोलोगे, 273.15 केल्विन के ऊपर जम जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कितने फ़ारेनहाइट पे जमता है तो 32 फ़ारेनहाइट पे जमता है, 32 फ़ारेनहाइट पे पानी जम जाता है। अगर आपको कोई भी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू 1.8 इंटू में डिग्री सेल्सियस जितना भी आप लेते हो एक्स वाई जेड, ब्रैकेट को बंद, प्लस 32। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस की हम निकालते कन्वर्ट कर, तो 0 को 1.8 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो कितना बच जाएगा प्लस में, 32। तो सही कैलकुलेट करके आया, 32 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर 2 करते हैं हम, देखो 2 डिग्री के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6, 3.6, ठीक है, हो गया। तो प्लस में 32 करेंगे तो 35.6 हो जाएगा, 35.6 हो जाएगा, 35.6 हो जाएगा, इतना फ़ारेनहाइट हो जाता है 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब बात करते हैं हम, देखो टाइम की बात करते हैं हम, टाइम की वाई आर से ईयर को डिनोट करते हैं, एच आर से आवर, एम आई एन से मिनट, एस ई सी से सेकेंड और एम एस से मिली सेकेंड, ठीक है। 1 ईयर में 365 दिन होते हैं, 1 डे, 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होती है, और 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होती है, ठीक है। अब स्पीड की बात करते हैं भाई, ठीक है। देखो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ और टाइम के ऊपर। आपने स्पीड का फॉर्मूला देखा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड बोलते हैं। अब इसकी एन किसके लिए डिनोट करता है, न्यूटन, न्यूटन के लिए, डी वाई एन डाइन के लिए, और के जी एफ किलोग्राम फोर्स के लिए। के जी एफ कोई मूवी नहीं है, ठीक है, उसको डिनोट नहीं किया हुआ है, ओनली के जी एफ किलोग्राम फोर्स के लिए यहाँ पे डिनोट किया गया है। देखो 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। और 1 किलोग्राम फोर्स के अंदर कितने डाइन होते हैं, 98,065, इसका मतलब हो गया 980,665 डाइन होते हैं, ठीक है। अब प्रेशर की हम बात करते हैं, किसकी, प्रेशर को, ठीक है, दबाव या दाब, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं, पी ए पास्कल, टोर, या इसको हम टोर ही बोल लेते हैं, ठीक है, एच जी मरकरी होता है, बार को हम बार से ही डिनोट करते हैं। और 1 बार के अंदर कितने पास्कल होते हैं, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, और 1 बार के अंदर कितना टोरी होता है, 10 की पावर 750.06 टोर, 750.06 टोर, ठीक है। और 1 बार के अंदर कितना मरकरी होता है, ठीक है, 750.06 mm ऑफ मरकरी। देखो हम किसी भी जो मरकरी का हम कितने mm ऑफ मरकरी में कैलकुलेट करते हैं, 1 बार को 750.06 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, mm ऑफ मरकरी इसको, या आप सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, या मीटर ऑफ मरकरी, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग। अब पावर की बात करते हैं, ठीक है, W किसके लिए होता है, वॉट, HP किसके लिए होता है, हॉर्स पावर के लिए, HP किसके लिए होता है, हॉर्स पावर के लिए। देखो 1 HP, ठीक है, 1 हॉर्स पावर यूके के अकॉर्डिंग 745.7 वाट होता है, 745.7 वाट होता है, ठीक है। अगर 1 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक की तरफ से देखते हैं, करंट की तरफ से, जो हम जो बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, वो कितना होता है, 740 वाट होता है, 740 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर यूएसए के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, वो 735.5 वाट होता है, 735.5 वाट होता है। तो अंतर कितना होगा यूके और यूएस के, अगर एचपी के अंदर देखते हैं, हॉर्स पावर के अंदर कितना अंतर होगा, 10.2 का हो गया, 10.2 का हो गया, ठीक है। 1 किलो कैलोरीज पर सेकंड कितने वाट को कन्वर्ट करते हैं, 4184 वाट। और 1 R/s कितना होता है, 10^-6 वाट होता है, 10^-6 वाट होता है। ERG क्या होता है, और क्या होता है आप देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स गाइड होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स गाइड।
एंगल की बात करते हैं, DEG से डिग्री, MIN से मिनट, SEC से सेकंड, RAD से रेडियन। अब देखो जो वन इन्वर्टेड कोमा मिनट के लिए होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा सेकंड के लिए होता है, और ये जीरो गोल सा निशान होता है, ये डिग्री के लिए होता है। एक डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। वन डिग्री के अंदर कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। और वन रेडियन के अंदर कितने डिग्री एंगल बनाता है? 57.29, ठीक है, 29, ठीक है, 57.29 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, जो ये आज की PPT थी, जो बहुत ही बेसिक बेसिक यूनिट के ऊपर थी, कन्वर्जन के ऊपर थी, आप सभी इनको याद करें, अच्छे से लिखें, बार बार इनको दोहराएं और इनको याद करके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, ठीक है, सभी इन सभी को याद करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, सभी हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सभी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, ठीक है, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे और आप सभी सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच सभी को।